सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केबल्स क्या क्या होते हैं, उसे कौन से डिफरेंट क्लासेस में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन से इंसुलेशन हम लोग यूज करते हैं केबल्स बनाने के लिए, उसके साथ साथ हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कौन से टेस्ट करते हैं हम लोग केबल से रिलेटेड, कौन से टाइप के फॉल्ट होते हैं केबल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे। जो कोई भी केबल से रिलेटेड टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो कोई भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सिलेबस के हिसाब से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं केबल्स और वायर्स में डिफरेंस क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, द बेसिक की डिफरेंस बिटवीन द वायर्स एंड केबल इज दैट वायर इज अ सिंगल कंडक्टर वेयर एज द केबल इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अगर कोई भी सिंपल कंडक्टर रहेगा सिंगल कंडक्टर रहेगा तो उसे हम वायर कहेंगे, अगर मल्टीपल कंडक्टर्स रहेंगे या फिर ग्रुप ऑफ कंडक्टर रहेंगे तो उसे हम लोग केबल कहेंगे। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। तो वायर को हम लोग दो कैटेगरी में मेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज सॉलिड वायर एंड द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड वायर। तो सॉलिड वायर में जो कंडक्टर रहेगा वो सिंपल रहेगा, स्ट्रेट एक ही कंडक्टर रहेगा उसके अंदर, और जो स्टैंडर्ड वायर्स रहेंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट थिन कंडक्टर्स है हम लोग एक साथ यूज करेंगे। वहाँ पे आप डायग्राम में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो केबल कौन से टाइप के होते हैं यहाँ पे दिया है, ट्विस्टेड पेयर केबल, मल्टी कंडक्टर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड पावर केबल। तो इसमें से जो फर्स्ट फोर है वो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं और जो पावर केबल है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो कम्युनिकेशन केबल से रिलेटेड कुछ एक बेसिक आइडिया हम लोग ले लेंगे ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑल ट्रांसमिशंस आर प्रोन टू नॉइज इंटरफेरेंसेस एंड क्रॉस टॉक। तो ट्रांसमिशन के वक्त हमें नॉइज या फिर इंटरफेरेंस हो सकते हैं क्योंकि जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं वो इजीली इंटरफेयर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द नॉइज। व्हेन द वायर्स आर ट्विस्टेड सम पार्ट ऑफ द नॉइज सिग्नल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डेटा सिग्नल वाइल अदर पार्ट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो ऐसे हम लोग ट्विस्टिंग कर सकते हैं। तो ट्विस्ट करने की वजह से जो नॉइज सिग्नल है वो एक पार्ट के डायरेक्शन में रहेगा और दूसरे पार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसके वजह से क्या होता है, दस द एक्सटर्नल वेव्स कैंसल आउट ड्यू टू द डिफरेंट ट्विस्ट। तो ट्विस्ट करने की वजह से दोनों सिग्नल है जो नॉइज सिग्नल है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। द रिसीवर कैलकुलेट्स द डिफरेंस इन द वोल्टेजेस ऑफ द टू वायर्स फॉर रिट्रीविंग डेटा। तो अभी क्या होता है, अगर नॉइस आया भी ये ट्रांसमिशन करते वक्त तो बिकॉज ऑफ ये हम लोग ट्विस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसके वजह से जो नॉइज है वो कैंसल आउट हो जाता है और रिसीविंग सिग्नल के वक्त जो कोई भी डेटा रिसीव होता है उसे हम लोग सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो कोई भी सिग्नल सेंड हुआ है और जो रिसीव हुआ है तो बीच में अगर नॉइस आया भी तो भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा और रिसीव होते वक्त हमें कोई भी नॉइस वहां पे नहीं मिलेगा। तो ये एक एडवांटेज होता है ट्विस्टेड पेयर केबल में। तो आपने बहुत जगह पे ये देखा भी होगा, मैक्सिमम टाइम हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है कोएक्सियल केबल। द कोएक्सियल केबल इज अ टाइप ऑफ कॉपर केबल स्पेशली बिल्ट विद अ मेटल शील्ड एंड अदर कंपोनेंट्स इंजीनियर टू ब्लॉक द सिग्नल इंटरफेरेंस। तो ये भी सेम काम के लिए होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉपर केबल यूज करते हैं, आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो। तो ये होता है कोएक्सियल केबल, इसके साथ साथ हम लोग एक मेटल शील्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि ये इंटरफेरिंग जो सिग्नल है उसे ब्लॉक कर देगा। इट इज प्राइमरली यूज बाय द केबल टीवी कंपनीज टू कनेक्ट देयर सैटेलाइट एंटीना फैसिलिटीज टू कस्टमर होम्स एंड बिजनेसेस। तो आपने ये घर पे भी बहुत बार देखा होगा, ये जो नीचे राइट साइड वाला डायग्राम है उसके अंदर अगर आप ये ओपन करके देखोगे तो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा। द कोएक्सियल केबल्स हैव कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। द आउटर मेटल शील्ड लेयर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज टिपिकली ग्राउंडेड इन द कनेक्टर्स एट बोथ एंड टू शील्ड द सिग्नल एंड एज अ प्लेस ऑफ स्ट्रे इंटरफेरेंस सिग्नल टू डिसिपेट। तो हम लोग जो मेटल शील्ड होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉपर मेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो मेटल शील्डिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो अर्थ के साथ साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जिसके वजह से कोई भी अगर इंटरफेरेंस सिग्नल आया तो वो इजीली अर्थ में चला जाएगा और हमारा जो मेन सिग्नल है उससे इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया आप ले सकते हैं, इसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। और ये जो प्रियस ट्विस्टेड पेयर केबल है हम लोग मैक्सिमम टाइम आपने देखा भी होगा, जो लैन केबल हमारे घर पे आते हैं इंटरनेट के लिए जो हम लोग मॉडेम में कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो हम लोग ओपन करके उसके अंदर जो फिट करते हैं वो जो लैन केबल का जो स्लॉट रहता है या फिर जो लैन केबल का सॉकेट रहता है उसके अंदर हम लोग ये फिट करते हैं वायर, ठीक है। तो ये
ट्विस्टेड पेयर केबल हम लोग लैन कनेक्शन के लिए मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं इंटरनेट के लिए, और जो कोएक्सियल केबल होते हैं वो हम लोग टीवी एंटीनास के लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद आता है मल्टी कंडक्टर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो नाम से ही पता चलता है कि मल्टी कंडक्टर यानी कि एक ही केबल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडक्टर रहेंगे, अलग अलग कलर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। तो जहाँ पे भी हमें मैक्सिमम कंडक्टर यूज करना रहेगा हम लोग वहाँ पे ये केबल है वो प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर कलर का जो मेश है ये हम लोग अर्थिंग के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है हमें तो पता ही है, आपने बहुत जगह पे देखा भी होगा, तो इसके रिलेटेड हम लोग इन डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कोर्स और द कंडक्टर, जो सबसे अंदर होता है जिससे हम लोग जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो सेंड करते हैं। अ केबल में हैव वन और मोर देन द वन कंडक्टर और द कोर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सर्विसेज फॉर विच इट इज इंटेंडेड। तो इसके केबल के अंदर जो कोर रहता है वो सिंगल भी हो सकता है या फिर मल्टीपल कंडक्टर भी हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग जो केबल है वो प्रेफर करेंगे। द कंडक्टर्स आर मेड ऑफ टिंट कॉपर और एल्यूमिनियम एंड आर यूजुअली स्ट्रैंडेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द केबल। तो स्ट्रैंडेड वायर हम लोगों ने देखा था, सिमिलरली स्ट्रैंडेड केबल्स होता है। तो स्ट्रैंडेड मतलब डिफरेंट डिफरेंट टिन जो कंडक्टर से हम लोग यूज करेंगे और एक एज ए कंप्लीट सिंगल कंडक्टर की तरह उसे हम लोग ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इजी होती है, मतलब अगर कहीं हमें मोड़ना वगैरह रहेगा वो केबल है तो वो इजीली मोड़ सकते हैं हम लोग। तो जो कंडक्टर है वो यूजुअली टिन कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आता है कंडक्टर, उसके ऊपर आता है कंडक्टर के ऊपर आता है इंसुलेशन। तो ईच कोर और द कंडक्टर इज प्रोवाइडेड विद द सुटेबल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, द थिकनेस ऑफ द लेयर डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज टू बी विथस्टूड बाय द केबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो थिकनेस है, जो इंसुलेशन का जो थिकनेस है वो किससे डिसाइड होता है, तो डिपेंड अपॉन द वोल्टेज टू बी विथस्टूड, मतलब इसके अंदर हम लोग कितना वोल्टेज सेंड कर रहे हैं वो वोल्टेज लेवल पे इंसुलेशन का जो थिकनेस है वो डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना, कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि करंट पे डिपेंड करता है या फिर वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, जो इंसुलेशन का जो थिकनेस है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेशन आर इम्प्रेग्नेटेड पेपर, वार्निश्ड कैम्ब्रिक और रबर मिनरल कंपाउंड। तो ये एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंसुलेशन यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। उसके बाद आता है मेटेलिक शीत, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लीड शीत भी दिया है, क्योंकि ये लीड से बनाते हैं इसलिए इसे लीड शीत भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड उसका जनरल वर्ड है मेटेलिक शीत। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर गैसेस और अदर डैमेजिंग लिक्विड्स सच एज एसिड्स और अल्कलीज इन द सॉइल एंड एटमोस्फियर, अ मेटेलिक शीत ऑफ लीड और एल्यूमिनियम इज प्रोवाइडेड ओवर द इंसुलेशन। तो इंसुलेशन के ऊपर हम लोग जो मेटेलिक शीत है वो प्रोवाइड करते हैं, वो किससे बचाता है, मॉइस्चर गैसेस या फिर कोई भी अगर डैमेजिंग लिक्विड रहेगा सॉइल में या फिर एटमोस्फेयर में तो उससे ये बचाता है। और इट इज फॉर्म बाय द लीड और एल्यूमिनियम, तो इसे लीड शीत या फिर एल्यूमिनियम शीत भी हम लोग कभी कभी कहते हैं। तो ये समझ लेना और ध्यान से समझ लेना, क्योंकि लीड शीत के साथ साथ आगे बेडिंग भी है, आर्मरिंग भी है, सर्विंग भी है, तो सबका काम अलग अलग है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मॉइस्चर गैसेस और डैमेजिंग लिक्विड से कौन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये अच्छे से लिख लेना, तो जो लीड शीट है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है बेडिंग, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो मेश लाइक पैटर्न है। सो ओवर द मेटेलिक शीट इज अप्लाइड अ लेयर ऑफ बेडिंग विच कंसिस्ट ऑफ अ फाइब्रस मटेरियल लाइक जूट और हेजियन टेप। तो ये जो बेडिंग है ये हम लोग फाइबर मटेरियल से बनाते हैं लाइक जूट और हेजियन टेप। द पर्पज ऑफ बेडिंग इज टू प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीट अगेंस्ट द कोरोजन एंड फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्मरिंग। तो ये बेडिंग का काम क्या होता है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेटेलिक शीट को अगेंस्ट द कोरोजन, यानी कि कोरोजन होने से उसे बचाता है एंड द मैकेनिकल इंजरिंग ड्यू टू आर्मरिंग। तो बेडिंग के बाद आता है आर्मरिंग, तो आर्मरिंग के वजह से भी ये लीड शीट को कोई डैमेज ना पहुंचे इसके वजह से हम लोग बेडिंग यूज करते हैं, और साथ साथ में ये कोरोजन से भी बचाता है मेटेलिक शीट को या फिर जो लीड शीट है उसे कोरोजन से बचाता है। तो ये होता है बेडिंग का काम। तो आगे देखते हैं आर्मरिंग, तो ओवर द बेडिंग आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड विच कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेयर ऑफ द गैल्वनाइज स्टील वायर और स्टील टेप। तो आर्मरिंग किससे बनाते हैं, तो गैल्वनाइज स्टील वायर या फिर स्टील टेप से। द पर्पज ऑफ आर्मरिंग इज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी व्हाइल लेइंग इट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हैंडलिंग। तो हम लोग अंडरग्राउंड केबल जो हम लोग यूज करते हैं तो जमीन के नीचे उसे ले करते वक्त
उसे कोई मैकेनिकल डैमेज ना हो, जो इंसुलेशन वगैरह है वो पंचर ना हो, इसके वजह से जो आर्मरिंग है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इट अवॉइड्स द मैकेनिकल इंजरी। आर्मरिंग मे नॉट बी डन इन केस ऑफ द सम केबल, तो कुछ कुछ केबल में हम लोग आर्मरिंग है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो ये ध्यान रखना कि जो आर्मरिंग है ये बनाते हैं गैल्वेनाइज स्टील वायर से या फिर स्टील टेप से, ठीक है। तो सबसे आखिर में आता है सर्विंग, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द आर्मरिंग फ्रॉम द एटमोस्फेरिक कंडीशन अ लेयर ऑफ फाइब्रस मटेरियल लाइक जूट सिमिलर टू द बेडिंग इज प्रोवाइडेड ओवर द आर्मरिंग। तो सबसे आखिर में आता है सर्विंग, जिसे हम लोग जूट टाइप मटेरियल से या फिर जो फाइब्रस मटेरियल है उससे हम लोग बनाते हैं, और ये जो आर्मरिंग को है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द एटमोस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन से लेयर होते हैं। सबसे पहले आता है कंडक्टर, उसके बाद आता है इंसुलेशन, उसके बाद आता है मेटेलिक शीट या फिर लीड शीट, उसके बाद आता है बेडिंग, देन आर्मरिंग एंड सर्विंग। तो अभी देखते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग केबल में कौन से यूज करते हैं और उसके आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए एक अच्छे इंसुलेशन के लिए। द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन द केबल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अवॉइड द लीकेज करंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो इंसुलेशन होगा उसका जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए टू अवॉइड द लीकेज करंट। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टू अवॉइड द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द केबल, तो जो इंसुलेशन रहेगा उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होना चाहिए, इजीली पंचर नहीं होना चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड द मैकेनिकल हैंडलिंग ऑफ द केबल। उसके बाद आता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर और सोइल। इन केस द इंसुलेटिंग मटेरियल इज हाइग्रोस्कोपिक इट मस्ट बी एनक्लोज इन अ वाटर प्रूफ कवरिंग लाइक लिड शीट। तो इसने क्या कहा है, इसका मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो मैक्सिमम जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, यानी कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक वो होना चाहिए। लेकिन अगर मटेरियल हाइग्रोस्कोपिक है यानी कि मॉइस्चर कंटेंट वो अगर स्टोर कर रहा है खुद में, तो उसके ऊपर हम लोग एक वाटर प्रूफ कवरिंग प्रोवाइड करेंगे लाइक लिड एंड शीट, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग अभी डायग्राम में देखा था। तो इंसुलेशन के ऊपर हम लोग जो लिड शीट है वो प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम केसेस में। उसके बाद आता है लो रिलेटिव परमिटिविटी, तो उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो भी कम होना चाहिए। जितना अगर रिलेटिव परमिटिविटी कम रहेगा उतना ही उसका जो कैपेसिटेंस है वो कम रहेगा इंसुलेशन का। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है कैपेसिटेंस की वजह से और कैसे कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद आता है नॉन इन्फ्लेमेबल, ऑब्वियसली लो कॉस्ट एज टू मेक द अंडरग्राउंड सिस्टम अ वायबल प्रपोजिशन। तो ये तो हर जगह पर होता ही है, कोई भी अगर आप इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करोगे तो उसका कॉस्टिंग मिनिमम होना चाहिए और साथ साथ में जो उसका क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहना चाहिए। एंड सबसे आखिर में आता है अनअफेक्टेड बाय द एसिड एंड अल्कलीज टू अवॉइड एनी केमिकल एक्शन। तो ये हम लोगों ने देखा था जो लेड शीट है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एसिड या फिर अल्कलीज के, लेकिन इंसुलेशन का भी काम है कि वो अनअफेक्टेड होना चाहिए। तो एक एक करके इंसुलेशन कौन से होते हैं हम लोग अभी देखते हैं। द फर्स्ट वन इज रबर, इट हैज द रिलेटिव परमिटिविटी बिटवीन 2 and 3, तो मैक्सिमम टाइप आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन यूज होता है इसका। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अबाउट 30 kV/mm, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है रबर का वो अराउंड 30 kV/mm है, ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, /mm है, /cm या फिर /m² नहीं है, 30 kV/mm है। उसके बाद आता है रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन इज 10^17 Ω/cm, ठीक है। तो यहाँ पे 10^17 Ω/cm है, तो ये तीनों पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3 different MCQs फॉर्म हो सकते हैं, तो ये अच्छे से नोट डाउन करना। उसके बाद आता है सेकंड वन इज वल्कनाइज इंडियन रबर या फिर VIR भी उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सो केबल्स यूजिंग VIR इंसुलेशन हैव टिंड कॉपर कंडक्टर, तो इसके अंदर जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं वो टिंड कॉपर होता है, हम लोगों ने पहले ही देखा है। द VIR इंसुलेशन इज जनरली यूज फॉर द लो एंड मॉडरेट वोल्टेज केबल, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लेना क्या है। सो VIR इज यूज फॉर लो एंड मॉडरेट वोल्टेज केबल, तो आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो ये जो हम लोग इंसुलेशन यूज कर रहे हैं ये वल्कनाइज इंडियन रबर इंसुलेशन। उसके बाद आता है इम्प्रेगनेटेड पेपर, इट कंसिस्ट ऑफ द केमिकली पल्प पेपर मेड फ्रॉम द वुड चिपिंग्स एंड इम्प्रेगनेटेड विद सम कंपाउंड सच एज पैराफिनिक और नेफ्थेनिक मटेरियल, यानी कि ये इंसुलेटिंग ऑयल के साथ साथ हम लोग इसे यूज करते हैं, तो ये वुड चिपिंग से हम लोग फॉर्म करते हैं और इम्प्रिग्नेटेड विद सम कंपाउंड, यानी कि जो इंसुलेटिंग ऑयल से उसके साथ साथ हम लोग ये बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ इंसुलेशन हैज ऑलमोस्ट सुपरसीडेड द रबर इंसुलेशन, तो इसका एडवांटेज होने के वजह से हम लोग ये रबर के ऊपर यूज करते हैं, यानी कि मैक्सिमम केसेस में हम लोग ये जो इम्प्रिग्नेटेड पेपर इंसुलेशन है वो यूज करते हैं। इट इज बिकॉज इट हैज द एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट, लो कैपेसिटेंस,
हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, मतलब जो कोई भी मैक्सिमम यूजेस या फिर एडवांटेजेस होने चाहिए एक आइडियल रेजिस्टेंस आइडियल इंसुलेशन में, वो यहाँ पे हमें मिलती है। द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट द पेपर इज हाइग्रोस्कोपिक एंड इवन इफ इट इज इम्प्रेगनेटेड विद सुटेबल कंपाउंड इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड डस लोअर्स द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल। तो एडवांटेजेस हम लोग ने देखे थे, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि ये जो मॉइस्चर कंटेंट है वो होल्ड करने की कोशिश करता है, तो ये अवॉइड करने के लिए या फिर ये थोड़ा ओवरकम करने के लिए हम लोग इंसुलेटिंग ऑयल है ये उसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन फिर भी इतना ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता अगेंस्ट द मॉइस्चर, तो इसके वजह से जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो भी कम होता है। अगर मॉइस्चर बढ़ा तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। दे आर यूज वेयर द केबल रूट हैज अ फ्यू जॉइंट्स यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एट लो वोल्टेजेस। तो लो वोल्टेज के लिए अगर जहाँ पे मिनिमम जॉइंट्स रहेंगे केबल के बीच में, तो वहाँ पे हम लोग ये इम्प्रेगनेटेड पेपर इंसुलेशन है ये यूज करते हो। आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो ऐसा कुछ होता है। उसके बाद आता है वार्निश कैम्ब्रिक, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। इट इज अ कॉटन क्लॉथ इम्प्रेगनेटेड एंड कोटेड विद द वार्निश। तो बेसिकली ये एक कॉटन क्लॉथ होता है और उसके ऊपर हम लोग एक वार्निश का कोट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस टाइप ऑफ इंसुलेशन इज ऑल्सो नोन एज एम्पायर टेप। तो इसे और भी एक नाम है, एम्पायर टेप भी इसे कहते हैं वार्निश कैम्ब्रिक को। एज द वार्निश कैम्ब्रिक इज हाइग्रोस्कोपिक अगेन, हेंस सच केबल्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विद मेटेलिक शीट। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा था जो पेपर हम लोग यूज करते हैं इम्प्रेगनेटेड पेपर, इसे भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। तो सिमिलरली जो वार्निश कैम्ब्रिक है वो भी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, यानी कि मॉइस्चर इजिली एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हम लोग मेटेलिक शीट है वो प्रोवाइड करते हैं। इट्स डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अबाउट 4 kV/mm एंड परमिटिविटी इज 2.5 to 3.8। तो अभी हम लोगों ने देखा था रबर का जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 30 kV/mm होता है, तो इससे ये बहुत ही कम है, और जो परमिटिविटी है वो भी इससे ज़्यादा है, क्योंकि परमिटिविटी यूजुअली कम होना चाहिए, तो रबर का परमिटिविटी होता है 2 to 3, लेकिन इसका वार्निश कैम्ब्रिक का जो परमिटिविटी है वो होता है 2.5 to 3.8। उसके बाद आता है पॉलीविनिल क्लोराइड, यानी कि PVC। सो पॉलीविनिल क्लोराइड हैज़ अ हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, गुड डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड द मैकेनिकल टफनेस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर। तो ये अच्छी बात है। दिस टाइप ऑफ द इंसुलेशन इज प्रेफर्ड ओवर VIR इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज इज इन सीमेंट फैक्ट्री और द केमिकल फैक्ट्री। तो ये हम लोग मैक्सिमम केसेस में सीमेंट फैक्ट्री या फिर केमिकल फैक्ट्रीज में यूज करते हैं। PVC इंसुलेटेड केबल्स आर जनरली यूज फॉर लो एंड मीडियम डोमेस्टिक लाइट्स एंड पावर इंस्टॉलेशन। तो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, लो एंड मीडियम वोल्टेजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, फॉर डोमेस्टिक लाइट्स और पावर इंस्टॉलेशन। तो आपने घर पे भी बहुत बार देखा होगा जो कोई भी हम लोग इंसुलेशन आपको दिखाई देगा होगा केबल के ऊपर या फिर वायर के ऊपर, वो यूजुअली पॉलीविनाइल क्लोराइड के PVC मटेरियल का ही होगा। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द केबल्स क्या होता है। तो यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज के रेफरेंस से कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं ये यहाँ पे मेंशन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसे डायरेक्टली इंडिविजुअल लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लो टेंशन केबल या फिर लो वोल्टेज केबल है वो अप टू 1 kV तक हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है हाई टेंशन केबल्स या फिर HT केबल अप टू 11 kV के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे सुपर टेंशन केबल या फिर ST केबल्स जो होता है फ्रॉम 22 kV to 33 kV। तो कभी कभी आपको 11 kV से 33 kV भी यूज किया हुआ आपको दिखाई देगा, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि अप टू 33 kV तक हम लोग ये जो यूज करते हैं हाई टेंशन वो अप टू 11 kV। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन के EHT केबल्स या फिर EHV केबल भी कहते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। तो इट यूज फ्रॉम 33 kV to 66 kV या फिर अप टू 66 kV तक हम लोग ये यूज करते हैं। और सबसे आखिर में आता है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, यानी कि सबसे आखिर में जो आता है बियॉन्ड 132 kV। तो जो कोई भी केबल हम लोग 132 kV के बाद यूज करेंगे फॉर हायर वोल्टेज, तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल कैटेगरी में हम लोग उसे डिवाइड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन करना। द केबल में हैव वन और मोर देन द वन कोर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सर्विसेज फॉर विच इट इज इंटेंडेड। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग के स्लाइड में ये डिस्कस किया था। तो केबल में सिंगल कोर केबल होता है, 2 कोर केबल होता है, 3 कोर केबल होता है, 4 कोर केबल भी होता है, एंड 3.5 कोर केबल भी होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन 3.5 कोर केबल भी होता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो 3 फेजेस के लिए हम लोग 3 यूज कर सकेंगे कोर, और साथ साथ में कभी कभी हम लोग न्यूट्रल भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए 4 कोर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। फॉर 3 फेज सर्विसेज इधर 3 सिंगल कोर केबल्स और 3 कोर केबल कैन बी यूज डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड द लोड डिमांड। तो 3 फेजेस के लिए हम लोग 3 सिंगल कोर केबल्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सिंगल कोर केबल लेंगे
उसके थ्री क्वांटिटीज लेंगे, या फिर एक कॉमन सिंगल केबल ही लेंगे जिसके अंदर थ्री डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स रहेंगे। तो जैसे हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज या फिर जितना डिमांड रहेगा उसके हिसाब से हम लोग वो केबल है वो सिलेक्ट करेंगे। तो थ्री फेज केबल के लिए क्या क्या होता है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द केबल्स आर जनरली यूज फॉर द थ्री फेज सर्विसेज। फर्स्ट वन इज बेल्टेड केबल विच इज यूज फॉर अप टू 11 kV। ये थ्री फेज केबल के लिए है जो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये जनरलाइज है। तो थ्री फेज के लिए क्या क्या होता है, बेल्टेड केबल्स अप टू 11 kV के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है स्क्रीन केबल्स विच इज यूज फ्रॉम 22 kV टू 66 kV, या फिर अप टू 66 kV आप इसे कह सकते हो। और सबसे आखिर में आता है प्रेशर केबल विच इज यूज बियॉन्ड द 66 kV। तो सबसे आखिर में आता है प्रेशर केबल विच इज यूज बियॉन्ड 66 kV। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बेल्टेड केबल्स, द कोर्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लेयर्स ऑफ इम्प्रेग्नेटेड पेपर। हम लोगों ने देखा था इम्प्रेग्नेटेड पेपर क्या होता है। अनदर लेयर ऑफ इम्प्रेग्नेटेड पेपर टेप कॉल्ड एज अ पेपर बेल्ट इज वाउंड राउंड द ग्रुप इंसुलेटेड कोर। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एग्जैक्ट बेल्टेड केबल का डायग्राम नहीं लेकिन सिमिलर ऐसा ही होता है कि ये जो कंडक्टर है उसके अराउंड, ये जो आप RYB कलर के जो इंसुलेशन देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग इम्प्रेग्नेटेड पेपर यूज करते हैं इंडिविजुअल कंडक्टर को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। और ये तीनों के तीनों जो कंडक्टर है उसको साथ में हम लोग फिक्स करने के लिए या फिर एक राउंड शेप बनाने के लिए ये तीनों को मिला के एक कॉमन हम लोग जो इम्प्रेग्नेटेड पेपर है ये इसके ऊपर वाउंड करते हैं। द गैप बिटवीन द इंसुलेटेड कोर इज फिल्ड विद द फाइब्रस इंसुलेटिंग मटेरियल। तो जो कोई भी अगर बीच में गैप रहेगा उसमें हम लोग एक फाइब्रस मटेरियल है वो फिक्स करते हैं ताकि एक कंप्लीट राउंड शेप हमें मिल जाए। जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, फाइब्रस इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो जूट का बना होता है, सो एज टू गिव द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया टू द केबल। जैसे मैंने अभी बताया, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करने के हम लोग अगर कुछ फील रहा, बीच में गैप रहा, तो वहाँ पे हम लोग जो इंसुलेटिंग मटेरियल है फाइब्रस वो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। द कोर्स आर जनरली स्ट्रैंडेड एंड मे बी नॉन सर्कुलर शेप टू मेक द बेटर यूज ऑफ द अवेलेबल स्पेस। तो नॉन सर्कुलर यानी कि ऐसे टाइप का जो मैक्सिमम कंडक्टर एरिया है वो ये शेप में हम लोग यूटिलाइज कर सकते। तो जितना इंसुलेटिंग मटेरियल कम रहेगा उतना ही आपका जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो ज्यादा रहेगा, जिससे हम लोग मैक्सिमम जो वोल्टेज है या फिर मैक्सिमम जो पावर है वो सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप का कुछ आपको कंडक्टर शेप है वो दिखाई देगा। उसके बाद आता है स्क्रीन केबल्स। तो दीज केबल्स आर मेंट फॉर यूज अप टू 33 kV, बट इन पर्टिकुलर केसेस देयर यूज में बी एक्सटेंडेड अप टू द ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 66 kV। तो अगर आपको स्क्रीन जो केबल से वो पूछा तो अप टू 66 kV आप टिक करके आ सकते हो। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द स्क्रीन केबल, फर्स्ट वन इज एच टाइप केबल एंड सेकंड वन इज SL टाइप। एच केबल से क्यों कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने ये इन्वेंट किया था ये पर्टिकुलर केबल उसका नाम एच से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए उनके नाम से ये केबल का नाम दिया है एच टाइप केबल। एंड सेकंड वन इज SL टाइप या फिर सेपरेट लीड केबल। तो ये जो दो टाइप है ये स्क्रीन केबल के अंडर आते हैं, तो हमें इन डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर पूछा कि स्क्रीन केबल्स में कौन से टाइप के केबल्स रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रेशर केबल्स, फॉर वोल्टेजेस बियॉन्ड 66 kV सॉलिड टाइप केबल्स आर अनरिलायबल बिकॉज देयर इज अ डेंजर ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वॉइड। ठीक है, तो बियॉन्ड 66 kV के लिए हम लोग जो प्रेशर केबल्स है वो यूज करते हैं। सो वॉइड्स में बी फॉर्म ड्यू टू एक्सपांशन और द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द केबल, यानी कि कोई भी अगर इंसुलेशन हम लोग यूज करेंगे उसके अंदर अगर कोई भी कैविटी वगैरह रहेगी, कोई भी होल्स वगैरह रहेगा, तो जिसके वजह से जो ब्रेकडाउन है इंसुलेशन का वो बहुत इजीली हो सकता है और बहुत इजीली जो केबल है वो डैमेज हो सकती है। तो ये वॉइड्स है ये अवॉइड करने के लिए हम लोग जो प्रेशर केबल है वो यूज करते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रेशर केबल, फर्स्ट वन इज ऑयल फील्ड केबल एंड सेकेंड वन इज गैस प्रेशर केबल आर कॉमनली यूज। तो वॉइड को अवॉइड करने के लिए या फिर वॉइड के वजह से यानी कि कैविटी के वजह से कोई भी जो इंसुलेशन है वो इजीली डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग वहाँ पे या तो ऑयल फिलिंग करते हैं या फिर जो गैस है वो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। एंड इट इज यूज फॉर बियॉन्ड द 66 kV वोल्टेज। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो ये है ऑयल फील्ड केबल। तो ये जो तीन डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर है ये है सर्कुलर कंडक्टर। तो आप जो पहले देखा था हम लोगों ने बेल्टेड केबल, तो वहाँ पे नॉन सर्कुलर कोर होने की वजह से जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है जो सर्कुलर शेप का वो हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन सर्कुलर शेप में क्या होता है जो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जो नॉन सर्कुलर कंडक्टर है वो यूज करते हैं। लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द केबल यानी कि ऑयल फील्ड केबल्स में हमें सर्कुलर ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो ऑयल डक्ट्स है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप ये जो कंडक्टर है इसके बीच में जो गैप है वहाँ पे आप ये जो देख सकते हो ये है ऑयल डक्ट्स, इसका जूम वर्जन यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो इसके अंदर जो ऑयलिंग है वो हम लोग फील करते हैं, तो आप यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो। और ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर हम लोगों ने इसके ऊपर
कनेक्ट किया है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। तो इसके रिलेटेड इतना इन डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको आइडिया हो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है एक कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसका। उसके बाद आता है गैस प्रेशर केबल। तो गैस प्रेशर केबल का कंस्ट्रक्शन कुछ कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर हम लोग स्टील पाइप है वो यूज करते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो दोनों जगह पे, और यहाँ पे जो कंडक्टर है वो एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं, यानी कि निचले हिस्से में, और जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वहाँ पे हम लोग जो प्रेशर है, जो गैस है, वो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम एरिया है वो हम लोग यूज नहीं करेंगे यहाँ पे कंडक्टर के हेल्प से, जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वहाँ पे हम लोग प्रेशराइज गैस है वो यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेशराइज फिलिंग मीडियम, यहाँ पे हम लोग या तो डाइलेक्ट्रिक ऑयल या फिर नाइट्रोजन गैस है वो यूज करते हो। गैस प्रेशर केबल के लिए हम लोग जो नाइट्रोजन गैस है वो यूज करते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, एक बार पढ़ लेना क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं यहाँ पे, या फिर कौन से डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स है वो हम लोग गैस प्रेशर केबल में यूज करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केबल के इंसुलेशन क्लासेस क्या क्या होते हैं। डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म होता है, आपको इंसुलेशन क्लास प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि इसका मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर क्या होता है। तो इसी पैटर्न में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, YAEBFHC। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट और कैटेगरीज में डिवाइड कर देना तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले रखना YAE, उसके आता है BF एंड HC। तो आप कुछ चाहिए तो ट्रिक बना लेना, तो इसका आपको डायरेक्टली नंबर ही याद रखना पड़ेगा। 90 डिग्रीज होता है वाई के लिए, उसके बाद आता है 105, उसके बाद आता है 120, 130, 155, 180 एंड बियॉन्ड 180 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप ये 3-4 बार देखोगे आप कुछ ट्रिक बना के इसे याद कर सकते हो। उसके बाद आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंसेस। द केबल कंडक्टर इज प्रोवाइडेड विद द सुटेबल थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, हम लोगों ने देखा था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लीकेज करंट। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है, टू प्रिवेंट द लीकेज करंट। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंसुलेशन टू लीकेज करंट इज नोन एज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल। तो नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट को जो अपोजिशन करेगा वो होता है रेजिस्टेंस। तो नॉर्मल रेजिस्टेंस जैसे होता है, सिमिलरली इंसुलेशन का भी एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर सेटिस्फेक्ट्री ऑपरेशन द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल शुड बी वेरी हाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस है इंसुलेशन का वो हाई होना चाहिए। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये कंडक्टर है और उसके अराउंड हम लोगों ने जो शीत है वो हम लोगों ने प्रोवाइड की है, मेटेलिक शीत, और ये मेटेलिक शीत और जो कंडक्टर के बीच में हम लोग जो इंसुलेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सेंटर से, कोर के सेंटर से जो शीत तक, यानी कि कंप्लीट इंसुलेशन तक का जो रेडियस है उसे हम लोगों ने कैपिटल आर से डिनोट किया है, और जो स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल जो आर है वो हम लोगों ने सिर्फ कंडक्टर के रेडियस को हम लोगों ने स्मॉल आर यहाँ पे डिनोट किया है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 2πL मल्टीप्लाई बाय ln कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर ओम्स पर मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन है बहुत लंबा है जो हमारे कोई भी काम का नहीं है, सिर्फ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें आती है और इसका नोटेशन कैसे हम लोगों ने दिया है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैपिटल आर यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस का टॉप में आता है जो रेडियस है, डिवाइडेड बाय जो कंडक्टर का जो रेडियस रहेगा वो हम लोग डिनोमिनेटर में यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है रो क्या है, आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है। तो इसके इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो चीज़ है जो आपको आपके मेमोरी में फिट करना है वो होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला में, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल। जो हम लोगों ने इक्विपमेंट का या फिर जो ओम्स लॉ के केस में जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, करेक्ट। तो यहाँ पे केस में क्या होता था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल होता था, जो हम लोग सर्किट थ्योरी में जो हम लोगों ने देखा था अभी तक। तो वहां पे जो इक्विपमेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है, या फिर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, यानी कि जितना अगर आप कोई भी वायर या फिर कंडक्टर का जितना लेंथ बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से जो उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है इंसुलेशन का, जितना उसका लेंथ कम करते जाओगे आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, उतना जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा। यानी कि फॉर दिस इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आप कंडक्टर रेजिस्टेंस को, अगर आपको पता रहेगा कंडक्टर रेजिस्टेंस में जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस में अगर लेंथ बढ़ा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो अभी देखते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन द कोर एंड शीथ क्या होता है, यानी कि टोटल इंसुलेशन का कैपेसिटेंस कितना होता है।
तब सेम डायग्राम है, ये कोर है स्मॉलर सर्कल एंड द आउटर सर्कल है ये शीथ है, और इन दोनों के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हो ये इंसुलेशन का गैप है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाहिए तो, ये है इंसुलेशन, यहाँ पे ये है इंसुलेशन, ठीक है। तो इसका हम लोग कैपेसिटेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, तो आपको इसका भी जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना पड़ेगा। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन शायद पूछ भी जा सकता है, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल वालों को तो बाय हार्ट होगा ही। तो C इज इक्वल टू 2πε0εr डिवाइडेड बाय ln कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, और जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ द कंप्लीट इंसुलेशन या फिर अप टू द लिड शीथ या फिर मेटेलिक शीथ तक फ्रॉम सेंटर ऑफ द कंडक्टर। तो जो एप्सिलॉन नॉट है वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एंड जो एप्सिलॉन r है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और जितना रिलेटिव परमिटिविटी कम होगा उतना ही जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो कम होगा। तो कैपेसिटेंस हमें चाहिए नहीं होता है आइडियली, लेकिन वो फॉर्म होता है बिकॉज कंडक्टर एक कुछ पर्टिकुलर पोटेंशियल पे रहेगा, और जो हम लोग शीट है वो हम लोग अंडरग्राउंड केबल में यूज करते हैं, तो जो ग्राउंड पे टच होने के बाद आउटर लेयर पे हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको जीरो पोटेंशियल मिलेगा, और कंडक्टर पे हमें कुछ वोल्टेज वो फ्लो करवा रहा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज और यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज होने के वजह से, वोल्टेज डिफरेंस होने के वजह से हमें फिजिकल कैपेसिटेंस वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, लेकिन कैपेसिटिव इफेक्ट वहाँ पे दिखाई देगा। तो कैपेसिटिव इफेक्ट हम लोगों ने पहले ही बहुत बार अच्छे से डिस्कस किया है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको दिखाई देगा तो उनके बीच में हमें कैपेसिटिव इफेक्ट है वो दिखाई देगा, फिजिकल कैपेसिटेंस प्रेजेंट नहीं रहेगा। इंसुलेशन में फिजिकल कैपेसिटेंस नहीं रहेगा, लेकिन कैपेसिटिव इफेक्ट हमें वहाँ पे दिखाई देगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वोल्टेज लेवल। तो अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस है या फिर कैपेसिटिव इफेक्ट है तो उसके अंदर एक करंट फ्लो होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जिसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग करंट, यानी कि IC, एंड इट इज फाइंड आउट बाय VC इज इक्वल टू VPS डिवाइडेड बाय द XC। तो XC होगा ये कैपेसिटेंस की वजह से कितना उसका रिएक्टेंस हमें मिल रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ दिस इंसुलेशन, एंड VPS यानी कि कितना ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमें दिखाई देता है, यानी कि ये जो कंडक्टर है और जो आउटर जो शीट है उसके बीच में कितना पर फेज वोल्टेज हमें मिलेगा, उसके हिसाब से हम लोग जो चार्जिंग करंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायलेक्ट्रिक लॉसेस इन द अंडरग्राउंड केबल्स, यानी कि जितना भी इंसुलेशन है उसके अंदर कितना लॉसेस आ सकते हैं, डायलेक्ट्रिक लॉसेस हम लोग उसे कहते हैं, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो VPH है ये हम लोगों ने देखा था, जो इंसुलेशन के अक्रॉस हम लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर इंसुलेशन के अक्रॉस हमें जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे R से, और फिर जो कैपेसिटिव इफेक्ट हमें इंसुलेशन में मिलेगा वो हम लोग C से डिनोट कर सकते हैं, और इसके अक्रॉस जो फुल फेज वोल्टेज जो मिलेगा वो होगा VPH। तो ये नॉर्मल आप नेटवर्क से इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि R जो पैरेलल में कनेक्टेड है VPH के, और कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो होगा IC यानी कि चार्जिंग करंट, और जो रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो होगा IR। तो आप ये डायग्राम समझ लेना क्या होता है, हम लोगों ने कैपेसिटेंस इफेक्ट है और जो रेजिस्टिव इफेक्ट है इंसुलेशन के अक्रॉस वो हम लोगों ने एक नेटवर्क के हेल्प से उसे डिनोट करने की कोशिश की है, ताकि हम लोग जो लॉसेस वगैरह आने वाले हैं वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि हमें इंसुलेशन देख के तो डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते, उसके देख के कितना उसमें लॉसेस है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए लॉसेस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिव एंड द इंडक्टिव इफेक्ट या फिर कैपेसिटिव इफेक्ट, जो रिएक्टिव इफेक्ट होता है उसके वजह से हम लोग जो लॉसेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर इंसुलेशन कैपेसिटेंस है वो हम लोगों ने एक नेटवर्क के हेल्प से उसे यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश की है। तो वोल्टेज फेजर वोल्टेज है वो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो हमें पता ही है कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है वो फेज के फेज इन द वोल्टेज होता है, बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, वो दोनों इन फेज होते हैं, करंट होता है वोल्टेज होता है फॉर रेजिस्टेंस। और जो कैपेसिटेंस का जो करंट होता है वो लीड करता है एज कम्पेयर टू द वोल्टेज, हम लोगों ने देखा है अच्छे से कैपेसिटेंस में जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को, और इंडक्टर में जो करंट है वो लैग करता है। तो इसके वजह से हम लोगों ने जो 90 डिग्री लीडिंग यहाँ पे एंगल दिखा है वोल्टेज से, 90 डिग्री लीड करके IC हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो IC और IR के बीच में कुछ एक हमें एंगल यहाँ पे मिलेगा, तो अगर IC और IR को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें टोटल करंट कितना फ्लो होगा, यानी कि टोटल कितना लीकेज करंट फ्लो होगा यहाँ पे वो हमें मिल जाएगा। एंड आई का जो कंपोनेंट्स है वो आई सी एंड आई आर है, दो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोग इसे यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आई सी और आई के बीच में जो डेल एंगल है ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं डायलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट।
तो इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे tan थीटा इज इक्वल tan डेल इज इक्वल टू IR डिवाइडेड बाय IC। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप डिनोट कर सकते हो, ये IR हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो tan थीटा क्या और tan डेल क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंस है। ठीक है, तो tan डेल का वैल्यू हमें मिलेगा IR डिवाइडेड बाय IC, और जो I और VP है यानी कि सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट के बीच में जो कोई भी हमें जो फेज मिलेगा या फिर जो फेज एंगल मिलेगा उसे हम लोग फाइव भी डिनोट करते हैं। तो हमें पता ही है करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल हमें मिलता है वो होता है पावर फैक्टर एंगल यानी कि फाइव। ठीक है, तो इससे अगर आपको पूछेगा कि पावर फैक्टर ऑफ द केबल क्या है तो आप यहाँ पे डायग्राम में दिखा सकते हो कॉस फाइव। तो पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाइव का एंगल हमें क्या मिलेगा, कॉस फाइव होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट यहाँ पे क्या है एंगल आई आर डिवाइडेड बाय आई। तो अगर आपको पूछा कि पावर फैक्टर ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द केबल क्या रहेगा तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं कॉस फाइव विच इज इक्वल टू आई आर डिवाइडेड बाय आई। तो ये जो हम लोगों ने फेजर डायग्राम दिया है यहाँ पे, अगर आप ये अच्छे से समझ लोगे तो आप इजीली इसका आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तभी हम लोग डायलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो डायलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं VPS स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई, क्योंकि जो लॉसेस है वो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही होंगे, तो इसलिए हम लोग VPS स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर यूज करेंगे, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। तो इसे हम लोग और एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, तो VPS में यहाँ फाइंड आउट करूंगा बाहर और डिवाइड करूंगा VPH डिवाइडेड बाय R से। ठीक है, VPH डिवाइडेड बाय R से हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसी को हम लोगों ने सिर्फ बाइफर्केट करने की कोशिश की है। तो VPH डिवाइडेड बाय R क्या होता है, तो आप यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हो VPH इज इक्वल टू VPH डिवाइडेड बाय R, यानी कि हमें मिलेगा IR, करेक्ट। और हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा IR का वैल्यू क्या रहेगा, IR इज इक्वल टू IC tan del। तो हम लोग VPH इनटू IC tan del, तो आपको कभी कभी ये वैल्यू देंगे, डेल की वैल्यू देंगे, IC की वैल्यू देंगे और VPH की वैल्यू देंगे और आपको पूछेंगे कि डायलेक्ट्रिक लॉसेस कितना होता है। तो इसलिए हम मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको देने की कोशिश की है। तो SC लेवल के जो या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जाम आते हैं तो उसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन थियोरेटिकल कंसेप्ट यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि पावर फैक्टर कितना होता है केबल का, या फिर टेंजेंट डायलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर डायलेक्ट्रिक लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडिंग ऑफ केबल्स। तो क्या होता है, ग्रेडिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग द स्ट्रेस इन द डायलेक्ट्रिक ऑफ द केबल। जनरली द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर वाइल इट इज मिनिमम एट द आउटर मोस्ट शीट ऑफ द कंडक्टर। तो इन्होंने क्या कहा है कि इंसुलेशन में जो कंडक्टर के सबसे नजदीक वाला पोर्शन होगा वहां पे हमें इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है वो ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि कंडक्टर में मैक्सिमम वोल्टेज होता है। जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है वो कम होते जाएगा इंसुलेशन के ऊपर। तो सस्पेंशन टाइप ऑफ द इंसुलेटर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंडक्टर के सबसे नजदीक वाला जो डिस्क होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज स्ट्रेस है वो सबसे मैक्सिमम हमें मिलता है, करेक्ट। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले जाएंगे टुवर्ड्स द क्रॉस आर्म वैसे वैसे जो वोल्टेज लेवल है वो कम होते जाएगा, तो जितना जितना हायर वोल्टेज स्ट्रेस होगा उस इंसुलेटर के अक्रॉस उतना ही वो इजीली डैमेज हो सकता है। और हम लोगों ने इसी के वजह से जो गार्डरिंग वगैरह हम लोगों ने वहाँ पे यूज की थी तो इक्वलाइज द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द डिस्क, करेक्ट। तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी वहाँ पे डिस्कस किया कि जो वोल्टेज स्ट्रेस है वो तीनों डिस्क के अक्रॉस है, फिर जितने नंबर ऑफ द डिस्क रहेंगे उसके अक्रॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सेम होता है अगर केबल्स में हम लोग इंसुलेशन ग्रेडिंग करेंगे या फिर जो ग्रेडिंग ऑफ द केबल जो हम लोग कह रहे हैं सेम बात है कि जो वोल्टेज स्ट्रेस है वो टूवर्ड्स द इंसुलेटर या फिर कंप्लीट इंसुलेटर के अक्रॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि जो इंसुलेशन है वो इजिली पंचर ना हो जाए। तो अनइक्वल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन अ केबल इज अनडिजायरेबल फॉर द टू रीजंस इन्होंने यहाँ पे दिया है कि हमें क्यों ग्रेडिंग करना चाहिए। द इंसुलेशन ऑफ द ग्रेटर थिकनेस इज रिक्वायर्ड विच इंक्रीजेस द केबल साइज एंड सेकेंड वन इट मे लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेशन। तो अगर अनइक्वल स्ट्रेस रहा तो इसकी वजह से हमें हायर या फिर ग्रेटर थिकनेस का इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा फॉर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द केबल एंड इट मे लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेशन। ठीक है, तो इसलिए हमें ग्रेडिंग करना पड़ेगा। तो दिस कैन बी अचीव बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्ट्रेस इन सच अ वे दैट इट्स वैल्यू इज इंक्रीज इन द आउटर लेयर ऑफ द डायलेक्ट्रिक। तो आइडियली क्या होता है, कंडक्टर के नजदीक होता है वहां पे इंसुलेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज स्ट्रेस है वो ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग दूर चले जाएंगे तो स्ट्रेस है वो कम होते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेडिंग में क्या करेंगे कि जो जितना कंडक्टर से दूर है वहां पे हम लोग जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कंडक्टर के सबसे नजदीक है वहां पे हम लोग जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो कम करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज नोन एज द ग्रेडिंग ऑफ द केबल।
द फॉलोइंग आर द टू मेन मेथड्स ऑफ द ग्रेडिंग ऑफ द केबल. फर्स्ट वन इज कैपेसिटेंस ग्रेडिंग एंड सेकेंड वन इज इंटरशीथ ग्रेडिंग. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या, कैपेसिटेंस क्या होता है इंसुलेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया है. तो आगे देखते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग. तो सबसे पहले है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग. द होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक इज रिप्लेस बाय अ कंपोजिट डायलेक्ट्रिक. मतलब अभी तक हम लोगों ने जो होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक यानी कि थ्रू आउट कंडक्टर से लेके जितना भी हम लोग इंसुलेशन यूज करते हैं वो सेम मटेरियल से बनाते थे, इसके वजह से अनइक्वल जो स्ट्रेस है वो प्रोड्यूस होता था. लेकिन कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोग इंसुलेशन यूज करें वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में यूज करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कंपोजिट इलेक्ट्रिक यानी कि जितना जितना हम लोग मटेरियल यूज करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल रहेगा जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है वो उसका अनइक्वल रहेगा. द कंपोजिट डायलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस लेयर्स ऑफ द डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो. इन सच अ मैनर दैट द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ एनी लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ध्यान में रखना क्या कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि जितना कंडक्टर के नजदीक वाला जो इंसुलेशन रहेगा वहां पे डिस्टेंस कम है तो इसका परमिटिविटी ज्यादा रहेगा. जितना जितना हम लोग इससे दूर चले जाएंगे कोर से, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये डिस्टेंस ज्यादा है कोर से रिलेटेड जो आउटर मोस्ट लेयर है. तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब जो एप्सिलॉन थ्री का जो वैल्यू रहेगा वो सबसे कम रहेगा ये तीनों के कंपैरिजन में. सो देयर आर थ्री डायलेक्ट्रिक्स ऑफ आउटर डायमीटर D1, D2 एंड कैपिटल D. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने दिया है. जो फर्स्ट जो डायमीटर हम लोग यूज करेंगे यानी कि फर्स्ट इंसुलेशन के लिए वो D1 रहेगा, स्मॉल D1. उसके बाद सेकेंड के लिए होगा D2 और जो सबसे आखिर में रहेगा वो हम लोग कंसिडर करें कैपिटल D. और जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो रहेगा epsilon 1, epsilon 2 एंड epsilon 3 रिस्पेक्टिवली. द परमिटिविटीज आर सच दैट एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 3. जैसे मैंने कहा था जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगा. तो इसलिए आप एक ध्यान में रख सकते हो, अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे या फिर एक फॉर्मूला है 1 upon epsilon 1 D1 इज इक्वल टू 1 upon epsilon 2 D2 इज इक्वल टू 1 upon epsilon 3 capital D. ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि epsilon 1 D1 is equal to epsilon 2d2 is equal to epsilon 3 capital D. तो आपको ये जो रेशियो है ये कॉमन मिलेगा, यानी कि epsilon 1 multiply by d1 is equal to epsilon 2 multiply by d2 is equal to epsilon 3 multiply by capital D. यानी कि जितना डिस्टेंस कम उतना उसका रिलेटिव परमिटिविटी है उसका वैल्यू ज्यादा. तो ये होता है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग. तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो जो जी मैक्स है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है और जो एक्स है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द कंडक्टर. तो जैसे ही आप कंडक्टर के नजदीक देखोगे वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस है, जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो कम होते जाएगा. जैसे ही न्यू इंसुलेशन चालू होगा इंसुलेशन का जो पोर्शन है एप्सिलॉन 2 वाला, वहाँ पे वापस से जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, फिर वापस से धीरे धीरे कम होते जाएगा. यानी कि ऑलमोस्ट एक फिक्स पैटर्न में रह रहा है, सेम फिक्स रेंज में रह रहा है. नहीं तो पहले क्या होता था कि कंडक्टर के एरिया में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता था और जैसे जैसे हम लोग दूर चले जाएंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन आपको ये यहाँ पे दिखाई देता था. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने चेंज करके इंसुलेशन कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करने की वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है ये ऑलमोस्ट फिक्स रेंज में आपको दिखाई देगा. उसके बाद आता है इंटरशीथ ग्रेडिंग. तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ केबल ग्रेडिंग ओ होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक इज यूज. यानी कि पहले क्या होता था कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में होमोजीनियस हम लोग नहीं यूज करते, डिफरेंट डिफरेंट लेयर हम लोग यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरशीथ ग्रेडिंग में हम लोग एक होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक ही यूज करते हैं. बट इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर्स बाय प्लेसिंग द मेटालिक इंटरशीथ बिटवीन द कोर एंड द लीडशीथ. तो जो जितने भी पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं वो सभी सेम मटेरियल से होते हैं, लेकिन हर एक लेयर के बीच में हम लोग जो इंटरशीथ है वो प्रोवाइड करते हैं. द इंटरशीथ्स आर हेल्ड एट अ सुटेबल पोटेंशियल विच आर इन बिटवीन द कोर पोटेंशियल एंड द अर्थ पोटेंशियल. तो हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर के हेल्प से हम लोग जो मेटेलिक शीट है वो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे रखने की कोशिश करेंगे. दिस अरेंजमेंट इंप्रूव्स द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन द डायलेक्ट्रिक ऑफ द केबल एंड कॉन्सिक्वेंटली मोर यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑब्टेन. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, दैट कॉम्प्लिकेशन इन फिक्सिंग द शीट पोटेंशियल. तो जितने हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शीट यूज करेंगे तो हर एक शीट का हमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है. द इंटरशीट्स आर लाइकली टू बी डैमेज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन विच माइट रिजल्ट इन द लोकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट.
तो अगर ये डैमेज हुआ तो वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। एंड द थर्ड वन इज़ देर आर कंसिडरेबल लॉसेस इन द इंटरशीट्स ड्यू टू द चार्जिंग करंट। तो हर एक इंटरशीट के बीच में डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटिव इफेक्ट वहाँ पे फॉर्म होगा, इसके वजह से वहाँ पे बहुत सारे चार्जिंग करंट है वो फ्लो होंगे, जिसके वजह से लॉसेस है वो बढ़ जाएंगे। फॉर दिस रीजंस इंटरशीट्स ग्रेडिंग इज रेयरली यूज, मैक्सिमम टाइम जो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग है वो ही यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ द केबल फॉल्ट, तो हमारे बीएमसी के सिलेबस में ये मेंशन किया है, तो अभी हम लोग देखते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए एग्जाम में, लेकिन हम लोग सेफर सर्वे कवर करने की कोशिश करेंगे। जो केबल्स आर जनरली लेड डायरेक्टली इन द ग्राउंड और इन द डक्ट्स इन द अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके, बहुत सिंपल है। फॉर दिस रीजन देर आर लिटिल चांसेस ऑफ फॉल्ट इन द अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड होने के वजह से इसमें और ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट इसको प्रोटेक्शन मिल जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। ओवरहेड अगर केबल या फिर ओवरहेड अगर लाइन रहेंगे तो वह इजिली डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फॉल्ट इन द केबल। फर्स्ट वन इज ओपन सर्किट फॉल्ट, सेकेंड वन इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, एंड द थर्ड वन इज अर्थ फॉल्ट। तो एक एक करके देख लेते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है हमें। सो वेन देर इज अ ब्रेक इन अ कंडक्टर ऑफ अ केबल, इट इज कॉल्ड एज अ ओपन सर्किट फॉल्ट। कोई भी अगर कंडक्टर ओपन हुआ वो ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है। तो इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपन सर्किट फॉल्ट है वो हम लोग कौन से इक्विपमेंट से फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा मेगर। फॉर दिस पर्पज द थ्री कंडक्टर्स ऑफ द थ्री कोर केबल एट द फार एंड आर शॉर्टेड एंड अर्थ। तो क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री केबल है या फिर थ्री कंडक्टर है केबल में, तो एक एंड के नजदीक हम लोग मेगर है वो यूज करेंगे, और जो अपोजिट है अपोजिट एंड है वहां पे हम लोग जो शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कहा था अपोजिट एंड पे हम लोग शॉर्ट कर देंगे और वो अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अर्थिंग कर देंगे और जिसका अपोजिट एंड है वो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन द ईच कंडक्टर एंड अर्थ इज मेजर बाय अ मेगर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक टर्मिनल रहेगा वो हम लोग एक कंडक्टर को टच करेंगे और जो दूसरा टर्मिनल रहेगा वो हम लोग अर्थ पॉइंट को टच करेंगे, ठीक है। ये रहेगा अर्थ पॉइंट। तो इससे क्या होगा, ये एक सर्किट है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये मेगर के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, जो करंट है वो फ्लो करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे कंडक्टर अगर ओपन है तो कोई भी आगे करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा, द मेगर विल इंडिकेट द जीरो रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ द कंडक्टर दैट इज नॉट ब्रोकन। तो अगर जीरो रेजिस्टेंस है इसका मतलब कोई भी जो कंडक्टर है वो ब्रोकन नहीं है। तो जो मेगर है वो एक्चुअल में क्या करता है, मेगर है वो हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें जीरो मिल रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो मिल रहा है मतलब जो कंडक्टर है वो हेल्दी है, यानी कि ये ओपन नहीं हुआ है, इट इज नॉट ओपन। लेकिन अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो सर्किट है ये हमें ओपन मिल रहा है, करेक्ट, ये सर्किट है वो ओपन है। तो आगे इन्होंने यही कहा है, हाउएवर इफ द कंडक्टर इज ब्रोकन और द ओपन द मेगर विल इंडिकेट द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने देखा ही था कि अगर ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी मिलेगा, और अगर ओपन सर्किट नहीं है यानी कि नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में है तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हमें जीरो दिखाई देगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर हम लोगों ने आपको देख सकते हो ये आर फेस है वहाँ पे ये कंडक्टर ये ओपन है, इसके वजह से अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो करंट है वो पास करने की कोशिश की तो कोई भी करंट यहाँ पे हमें नहीं दिखाई देगा, जिसके वजह से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है। अगर आप कोई भी रिमेनिंग जो दो कंडक्टर में आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे जो करंट है वो फ्लो करेगा, करेगा, ये जो पाथ है मेगा से वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो हमें जो रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो वहाँ पे जीरो ही दिखाई देगा। अगर कंडक्टर ओपन है तो वहाँ पे हमें इन्फिनिटी दिखाई देगा, अगर कंडक्टर हेल्दी है या फिर कोई भी ओपन सर्किट नहीं है तो वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो जीरो दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे होता है ओपन सर्किट टेस्टिंग। उसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, व्हेन टू कंडक्टर्स ऑफ अ मल्टीकोर केबल कम इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर इट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इंसुलेशन फेल होने की वजह से कोई भी जो दो कंडक्टर है वो ऑब्वियसली हम लोग बहुत नजदीक में रखते हैं केबल के अंदर, तो अगर इंसुलेशन फेल हुआ दोनों का तो एक दूसरे को वो शॉर्ट सर्किट करेंगे यानी कि एक दूसरे को वो टच करेंगे। सो अगेन वी कैन सीक द हेल्प ऑफ मेगर टू चेक दिस फॉल्ट। तो यहाँ पे भी हम लोग जो मेगर है वो यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पज द टू टर्मिनल ऑफ द मेगर
आर कनेक्टेड टू एनी टू कंडक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम यहाँ पे अगर हमारा दो कंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट कर गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि ये जो दो कंडक्टर है आर फेज और जो वाई फेज है आर वाई बी में से, अगर आर और वाई है वो अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गए तो हम लोग जो इसका एक लाइन है वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। हमें पता नहीं है कि कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है क्योंकि ये इंसुलेशन के अंदर रैप रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो हम लोग अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो दो दो नॉब से मेगर के वो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, जो करंट है वो यहाँ से चला जाएगा और वापस यहाँ से फ्लो होके हमें इधर यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा, करेक्ट। तो क्लोज लूप फॉर्म करने के वजह से हमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो यहाँ पे हमें जीरो मिलेगा। जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, करेक्ट। रेजिस्टेंस जीरो यानी कि शॉर्ट सर्किट। तो अगर हम बोले हमें शॉर्ट सर्किट चेक करना रहेगा तो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर जीरो मिला तो वो शॉर्ट रहेगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ अलग मिलेगा, अदर देन द जीरो, इन्फिनिटी नहीं कह सकते लेकिन अदर देन जीरो मिलेगा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन है वो नहीं होगी, ठीक है। इन्होंने यही कहा है, इफ द मेगर गिव्स अ जीरो रीडिंग इट इंडिकेट्स अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बिटवीन दिस कंडक्टर, क्योंकि इसको इजी पाथ मिला, करेक्ट। करंट को इजी पाथ मिला है कि कोई भी इसको अपोजिशन नहीं मिल रहा है, और अगर अपोजिशन नहीं है करंट को इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट है। तो इसलिए हमें पता चलेगा कि कौन से दो कंडक्टर के बीच में जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है वो अकर हुआ है। अगर आर वाई में नहीं होता तो हमें यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता, फिर हम लोग आर और बी के बीच में चेक करेंगे, अगर वहाँ पे भी नहीं मिला तो फिर हम लोग वाई और बीच के बीच में, वाई और बी ये कंडक्टर के बीच में हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो किसी दो के बीच में अगर हमें मिल जाएगा तो हमें पता चलेगा कि कौन से दो जो केबल है या फिर कौन से दो कंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। एंड द लास्ट वन इज अर्थ फॉल्ट। व्हेन द कंडक्टर ऑफ अ केबल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ इट इज कॉल्ड एज अ अर्थ फॉल्ट और अ ग्राउंड फॉल्ट। तो आइडेंटिफाई दिस फॉल्ट, वन टर्मिनल ऑफ द मेगर इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर एंड द अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द अर्थ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अभी यहाँ पे वाई फेज लेंगे, अगर वाई फेज यहाँ पे फॉल्ट आके वाई फेज पे यहाँ पे फॉल्ट आके अगर वो अर्थ हुआ है तो क्या हो जाएगा, इफ द मेगर इंडिकेट्स अ जीरो रीडिंग इट मीन्स द कंडक्टर इज अर्थ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और जो दूसरा टर्मिनल है वो हम लोग अर्थ के साथ साथ है वो कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कहा है वन टर्मिनल ऑफ द मेगर इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर एंड अदर टर्मिनल कनेक्टेड टू द अर्थ। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो अर्थ एक एक करके चेक करेंगे, सबसे पहले आर, उसके बाद वाई, उसके बाद बी। तो आर पे हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे अर्थ फॉल्ट, तो यहाँ पे हम लोग वाई पे कनेक्ट करने के बाद हमें मिलेगा इफ द मेगर इंडिकेट्स द जीरो रीडिंग इट मीन्स द कंडक्टर इज अर्थ। क्यों, क्योंकि इसे वापस से यहाँ पे जो करंट को इजी पाथ मिलेगा करंट फ्लो करने के लिए, तो जिसके वजह से मतलब अगर हम पता लगा सकते कि कोई भी अगर कंडक्टर है वो अगर अर्थ को टच किया है तो इसके वजह से जो इजी पाथ मिलेगा उसको फ्लो करने के लिए। तो आर इज इक्वल टू अगर हमें जीरो मिलेगा यहाँ पे इसका मतलब जो कंडक्टर है वो अर्थ हुआ है, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हमें जीरो नहीं मिला तो वहाँ पे कोई भी अर्थिंग नहीं हुई। सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर द अदर कंडक्टर्स ऑफ द केबल। तो जहाँ पे हमें आर का वैल्यू जीरो मिलेगा हमें समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो कंडक्टर है वो अर्थ हुआ है। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉल्ट्स। सो सबसे आखिर में आता है लूप टेस्ट फॉर द लोकेशन ऑफ द फॉल्ट इन द अंडरग्राउंड केबल। तो कौन से टेस्ट होते हैं फॉल्ट फाइंड आउट करने के, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके साथ साथ हम लोग और कुछ जो मेथड है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लूप टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, सो देर आर सेवरल मेथड्स फॉर लोकेटिंग द फॉल्ट इन द अंडरग्राउंड केबल। हाउएवर द टू पॉपुलर मेथड्स नोन एज द लूप टेस्ट आर द फर्स्ट वन इज मरे लूप टेस्ट एंड सेकेंड वन इज द वायरली लूप टेस्ट। तो हम लोग इन डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको नाम बताने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट, दो चीज इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज दिस सिंपल टेस्ट कैन बी यूज टू लोकेट द अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग सिर्फ अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट हम लोग ये हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज बोथ दिस टेस्ट एम्प्लॉय द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर द फॉल्ट लोकेशन। तो आपको ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मरे लूप टेस्ट में या फिर वेरली लूप टेस्ट में हम लोग कौन सा प्रिंसिपल है वो यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज जो प्रिंसिपल होता है वो हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा था व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि बैलेंस ब्रिज कंसेप्ट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और ये अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए अंडरग्राउंड केबल में फाइंड आउट करने के लिए हमें
यूज होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। जितना मैक्सिमम पोर्शन एग्जाम में आता है वो सभी चीज़ें हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है, तो अच्छे से लेक्चर आपने देखा होगा आई होप। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछना, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन के डाउट्स आपके सॉल्व हो गए रहेंगे। आप ट्राई करना खुद से जो कोई भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं जेई लेवल के जो केबल्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हम लोग आने वाले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना। अगर कुछ डाउट है तो हमें कमेंट्स में पूछना, या फिर आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें आपके जो डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, और अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखना, और इलेक्ट्रिकल के साथ साथ जो मैकेनिकल के लेक्चर है वो भी कंटिन्यू रखना। दोनों जो प्लेलिस्ट है वो साथ साथ फॉलो करना, बहुत बार रिवीजन करना आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम आने तक, क्योंकि आप पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है तो आप भूलने के चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों साथ साथ में चलाना, दोनों वीडियो दोनों प्लेलिस्ट है वो साथ साथ में देखना और अच्छे से नोट्स बनाना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केबल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ।